नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यू चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड इस वीडियो को। वीडियो को लाइक करिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह से आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और वीडियो के एंड में स्कोर जरूर मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछूंगा, इसका भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बार देख रहे हो इस चैनल पर वीडियो को तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू सन स्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन है आपके अंदर। इस क्वेश्चन में आपसे जो टॉपिक पूछा जा रहा है जिसके ऊपर, वो है सन स्पॉट के बारे में। और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट, ये बनेगी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है सन स्पॉट आर एरिया दैट अपीयर डार्क ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। यानी कि सन स्पॉट की अगर हम बात करें, ये एक डार्क एरिया होता है जो कि सन के ऊपर, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम के में जो ओनली जो स्टार है जिसका नाम सन है, सन के ऊपर ये डार्क एरिया प्रेजेंट होता है, उसकी बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर हॉटर देन द अदर पार्ट ऑफ द सन सर्फेस। यानी कि सन के अंदर जितने भी सर्फेस है, सपोज करिए ना आपके पास, और इसके ऊपर जितने भी सर्फेस इसके बन के आते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा डार्क होता है, इट मीन्स वो वाला एरिया जो है हॉटर होता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द सन। उसके नेक्स्ट आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इन एवरी सोलर सिस्टम द नंबर ऑफ सनस्पॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है रिमेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो ये बोला जा रहा है कि जितने भी सन है यूनिवर्स के अंदर, जितने भी सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में जितने भी सन है उसके अंदर नंबर ऑफ द स्पॉट होंगे, यानी कि जो डार्क एरिया जो होगा वो सेम होगा, नंबर ऑफ एरिया जो होगा वो सेम होगा, ये बोला जा रहा है अगर हम बात करें डार्क एरिया की। तो ये आपके पास ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर से कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल ऑफ देम। इट मींस जितने भी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट, तीनों के तीनों करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपना आंसर कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सन के ऊपर जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो ओनली सन जो है वो ओनली स्टार है, और उसके ऊपर जो डार्क एरिया जो स्पॉट वगैरह जो है उसे हम कह सकते हैं वो क्या है, वो सन स्पॉट है। सन के ऊपर एक डार्क सर्कल आप बोल सकते हो किसी किसी एरिया में जो बन के आपको दिखाई देता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात करें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की, तो अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया था ये जो एरिया होता है डार्क एरिया होता है सबसे हॉटर होता है। नहीं, ये हॉटर नहीं होता, बल्कि ये सबसे कूलर एरिया होता है ऑन द सरफेस ऑफ द सन। यानी सन के सरफेस के ऊपर जो सबसे कूल एरिया होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सन के टोटल, वैसे तो सन टोटली हॉट होता है लेकिन सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो उसका उस एरिया के ऊपर था जहां पे ये डार्क स्पॉट होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये कूलर एरिया या कूलर पार्ट होता है सरफेस ऑफ द सन का। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया था ये जो फिक्स रहता है जितने भी सोलर सिस्टम है और उसके अंदर जो सन है उसके अंदर ये स्पॉट फिक्स है, ऐसा नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम, ये डिपेंड करता है उसके टाइम सर्कल के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे अपने सन की बात करें 11 ईयर में, हर 11 ईयर के बाद ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये फिक्स नहीं रहता, ये इंक्रीज और डिक्रीज टाइम टू टाइम होता रहता है। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। इट मींस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केवी कामत कमेटी अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई है जिसका नाम रखा गया केवी कामत कमेटी। यानी कि केवी कामत जी जो है वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, हेड होंगे, इस वजह से इस कमेटी का नाम केवी कामत कमेटी रखा गया है। अब ये आपको बताना है कि भाई ये जो कमेटी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, आपको ये बताना है। आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जाए रीफाइनेंसिंग द डेब्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी डेब्ट्स है उसको रीफाइनेंसिंग करने के टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी सेटअप की गई है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग
ऑफ कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट लोन जो इश्यूड ऑलरेडी हो गया है उसको किस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाए उसके रिगार्डिंग में ये सेकंड स्टेटमेंट है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो कमेटी है वो क्या करती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जितने भी लोन इशूड है उसे रिस्ट्रक्चर कैसा किया जाएगा ओनली वन टाइम, उसके रिगार्डिंग में ये कमेटी अपॉइंट की गई है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है मिनिमाइजिंग द सर्कुलेशन ऑफ द प्रिंटेड नोट एंड प्रमोटिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन, यानी कि हमारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए और प्रिंटेड नोट वगैरह के सर्कुलेशन को कम करने के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है एक्सेलरेटिंग मर्जर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उस मर्ज करने को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी सेट की गई है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है, आपको ये बताना है कि भी आरबीआई ने जो कमेटी सेटअप की है केवी कामत कमेटी ये किस लिए अपॉइंट की है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी लोन उसको ध्यान में रखते हुए कमेटी सेटअप की गई है और इसके जो हेड है वो है केवी कामत जी, जिसके नाम से ये कमेटी की नाम रखा जा चुका है। और ये जो कमेटी बनाई गई है इस कमेटी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस कमेटी का वो ये है कि हमारी कंट्री में अभी जो COVID-19 की वजह से जो इकोनॉमी डाउन हो गई है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी का जो डाउनफॉल हो वहां पर उसे रीस्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी कि जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं लेकिन अब उस कंडीशन में नहीं है कि वो प्रॉपरली लोन को पेमेंट कर सके, तो उसको ध्यान में रखते हुए सो अनदर पार्ट ऑफ द लोन प्रोवाइड करना या फिर रिलैक्सेशन देने के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। और इसके अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो आते हैं उन्होंने लोन 1500 करोड़ या अबव जो लोन अमाउंट है जिनका उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ये बोला जा रहा है। और डेडलाइन रखा गया आरबीआई के द्वारा कि भी अब क्या है इनको नेक्स्ट 30 डेज और डेडलाइन दिया गया इस कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन ये दे सके। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिजॉर्ट के लिए एक सिस्टमैटिक बनाने के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है कि किस तरह से इकोनॉमी को दोबारा इंप्रूव किया जा सके उस चीज में ध्यान रखते हुए। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको रिस्ट्रक्चर कर रही है ये कमेटी सेटअप की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में उसके रिगार्डिंग में पूछा जा रहा है कौन कौन सा आइटम उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये आपके पास कुछ आइटम्स मेंशन है, फर्स्ट है आपके पास मर्चेंडाइज ट्रेड, सेकंड आपके रिमिटेंस है, थर्ड है आपके पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, फोर्थ है आपके पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि इन चारों जो टर्म्स हैं इन चार टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आपको यह बताना है कि कौन से ऐसे टर्म है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इसे इंक्लूड किए जाते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड जो है इसे इंक्लूड किया जा रहा है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड इसे इंक्लूड किया जाता है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली वन यानी कि फर्स्ट यानी मर्चेंटाइल ट्रेड की अगर हम बात करें तो, लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल फोर, 1, 2, 3, 4 ये चारों जो टर्म है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्लियर है और उसके टर्म्स क्लियर है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसे इंक्लूड किया जा सकता है किसे नहीं किया जा सकता है। अभी आपको ये बताना है किसको इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपको कोड में से चूज करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर अगर बात करें तो ये जो ऑप्शन डी है आपके पास, यानी कि ये चारों आइटम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, यानी कि हमारी जो कंट्री है सिर्फ इंटरनली ट्रेड नहीं करती बट ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड करती है, यानी कि कुछ ना कुछ इंपोर्ट होता होगा हमारी कंट्री के अंदर और कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी होता होगा हमारी कंट्री के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट में से अगर आप इंपोर्ट को माइनस कर दे, ठीक है, तो जो भी बैलेंस बच जाता है उसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आप बोल सकते हो, इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो। ये प्लस में आता है, यानी कि आप ये करें कि अगर आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हो तो ये हमारी कंट्री के लिए काफी फायदेमंद होता है, बट एक्चुअल में हमारी कंडीशन ये नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, इस वजह से हमारा जो पेमेंट होता है वो बाहर की तरफ यानी कि दूसरी कंट्री को हमें ज्यादा करना पड़ता है, ये हमारे लिए एक लॉस की बात रहती है। आई होप आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्लियर हो गया कि पेमेंट आपको बाहर की कंट्री में करना है या अपनी कंट्री में रिसीव करना है, डिपेंड करता है हमारा ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है, इंपोर्ट की ज्यादा आ रही है एक्सपोर्ट की ज्यादा आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं इन टर्म की, ये चारों ही टर्म इंक्लूड किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। यानी कि एक बार थोड़ा क्वेश्चन को एक बार दोबारा अगर डिटेल में आप देखते हो तो जैसे मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब यह होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन सेक्टर है यानी कि प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर जितने भी चीजें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है वो जो
फॉरेन में जो ट्रेड की जाती है उनसे जो उनकी इनकम होती है उसी हम बोल सकते हैं मर्चेंटाइल ट्रेड की बात करते हैं। रिमिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी वर्कर हैं, जितने भी वर्कर जो अदर कंट्री में जाकर काम करते हैं और वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट करके अपने फैमिली को जो वो भेजते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में जो पैसा आता है मतलब डॉलर की फॉर्म में जो भी आता है रिमिटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के द्वारा बाहर से यानी कि वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, IMF वगैरह से कोई पैसा लिया गया है, बोरोइंग की गई है, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होता है कि भाई ये RBI की पावर होती है कि वो अगर कि उसके पास फॉरेन की कोई भी करेंसी है, उसके पास सपोज अगर उसके पास कोई डॉलर है उसके पास, उस डॉलर को मार्केट में दे करके इंडियन करेंसी को रिसीव कर लेती है दोबारा, उसी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आप बोल सकते हो। ये चार टर्म है और ये चारों ही टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इसे चारों को इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप आपको बेसिक ग्राम से वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई ये चीजें क्या होता है। अब बात कर लेते थोड़ा और डिटेल में कि इसमें जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये कुछ टर्म्स है जो अक्सर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट का मतलब होता है कि भाई ये अकाउंट जिसके अंदर आपकी जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है उसकी एक डिटेल आपके पास होती है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है या डिटेल जानना है आपको, आप करंट अकाउंट को चेक करके आप ये वैल्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी द्वारा कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है, ये उसके बारे में डिटेल होता है। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं जो इसका बेनिफिट आपको मोर देन वन ईयर यूज होने वाला है। सपोज के लिए 10 ईयर के लिए आपने कोई पुल या कुछ बना लिया अपनी कंट्री के अंदर, उसके लिए जो पैसा इन्वेस्ट आप कर रहे हैं यार, आपने किसी और कंट्री में जाकर के कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो 10 ईयर मतलब मोर देन 1 ईयर यानी 5 ईयर 10 ईयर 7 ईयर कितने का भी हो सकता है, उसे आप कैपिटल अकाउंट बोल सकते हो, वो एक्सपेंडिचर इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास कुछ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री के पास फॉरेन की करेंसी है या फॉरेन का कोई एसेट है, जब हम उसे इन कैश कराते हैं तो वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट होता है जिसे RBI के द्वारा किया जाता है। यानी करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा डी हो गया, यानी कि ये चारों ही आइटम इंक्लूड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। यह इकोनॉमी बेस्ड भी क्वेश्चन है और साथ के साथ ये IT सेक्टर का भी आपके लिए क्वेश्चन बताता है। और ये दो स्टेटमेंट आपको दे दी गई है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ब्लॉकचेन इज द डाटाबेस इंफॉर्मेशन दैट अपेयर ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, यानी कि सेम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल कंप्यूटर में जब आप यूज एक्सेस कर पाते हैं उसे आप बोल सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड टेम्पर इविडेंस रिकॉर्ड कीपिंग रियल टाइम ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटेबिलिटी, यानी कि ये एक तरह का ऐसा डाटाबेस होता है जिसके अंदर आप रियल टाइम में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर होती है और इसे आप ऑडिट बहुत इजिली कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर है आप बोल सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। तो ये टर्म्स आपके पास सेकंड स्टेटमेंट में दे दिए और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब अबाउट द करेक्ट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये बताना है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर दोनों स्टेटमेंट के अंदर आपसे चेक करना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या सिस्टम की बात करें तो जैसा कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था एक डाटाबेस होता है और इसमें रिकॉर्ड कीपिंग का काम किया जाता है, यानी कि जितने ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर में आप एक्सेस कर सकते हो, इसे ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, ऑडिटेबिलिटी है, यानी कि आप इजिली ऑडिट कर सकते हो, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये ट्रांजेक्शन का एक न्यू फॉर्म ट्रांजेक्शन है जो कि ई प्लेटफॉर्म पे आप कंडक्ट करते हो। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट में जो इसकी फीचर्स बताए गए हैं आपको कि ऑडिटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सारी बातें बिल्कुल सही है, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और मेनली जो ये काम है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज होता है। अब टर्म आपके लिए ये हो गया क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी एक फिजिकल करेंसी ना होकर के आप ये बोल सकते हैं एक 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 तरह से आप बोल सकते हैं ई करेंसी है जिसकी जिसकी वैल्यू डिपेंड कर
करती है कि भी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे हमारी करेंसी है वो एक पर्टिकुलर फिक्स रहती है, बट ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये काफी फ्लक्चुएट भी होती रहती है, एक तरह से आप ये बोल सकते हैं ई करेंसी आप बोल सकते हो, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन रेफरेंस टू वर्ल्ड फ्यूल डे, यानी कि वर्ल्ड फ्यूल डे के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। देखिए यहां पे मैंने आपके लिए ये कैपिटल लेटर में भी डाल दिया है और बोल्ड करके भी डाल दिया है, जरूरी नहीं है आपके क्वेश्चन के अंदर बोल्ड में हो, इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपके पास नॉट वर्ड आता है, ठीक है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, थोड़ा सा अलर्ट होकर आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए नॉट लिख दिया, ये कोई मैंडेटरी आपके लिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि नॉट कैपिटल में लिखा आएगा, बोल्ड लिखा आएगा, ये नॉर्मल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो वहां पर रीड करते हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपके पास यहाँ पे तीन स्टेटमेंट है, ये आपके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इट इज ऑब्जर्व ऑन द 10th अगस्त एवरी ईयर, यानी कि 10th अगस्त जो भी रिसेंटली गया है इस डेट पे इसे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज स्टार्टेड द ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड फ्यूल डे सिंस 2015, यानी 2015 ऑनवर्ड ये डे सेलिब्रेट करना हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट से ये बोला जा रहा है द थीम ऑफ द ईयर 2020, यानी 2020 का जो थीम है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि बाय फ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। जैसे अभी आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम भी लॉन्च की है, काफी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी जो थीम डिसाइड की गई है कि बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं बल्कि नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिए एनओटी नॉट लिखा हुआ बोल्ड लेटर, तो गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, वही आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नॉट करेक्ट है, गलत है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है इस तीनों अंदर आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बी का मतलब ये कि ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो ये बोला गया कि हर साल इसे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 10 अगस्त ये बात बिल्कुल सही है कि 10 अगस्त को वर्ल्ड वाइड इसे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें ये बता रहा है कि 2020 का जो थीम है ये है हमारी कंट्री में कि बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 2015 में इसे स्टार्ट नहीं किया गया है। कब स्टार्ट किया गया ये आपके लिए आज क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि आपको ये बताना है कि भी ये कब स्टार्ट किया गया बायोफ्यूल डे, ये आपको ये बताना है। और उसके बाद ये मिनिस्ट्री जो आपको बताई गई थी इसके अंदर, जैसे आप ऑप्शन बी देख रहे हैं, ऑप्शन बी में आपसे ये बोला गया कि भी ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वो उस मिनिस्ट्री ने इसे स्टार्ट किया था, तो आपके लिए जो करेक्ट आंसर है ये इस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करके ना इसे स्टार्ट किया था हमारी कंट्री में कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आपको ये बताना है कि भी वर्ल्ड ये जो डे है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है इसकी एग्जैक्ट और कब है जब इसे स्टार्ट किया था, क्या ये 2015 करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको ये चेक करके बताना है। अच्छा, उसके अलावा आपके लिए काम ये रहने वाला है कि 2015 ऑनवर्ड अगर इसे 2015 में स्टार्ट किया गया तो 2015 ऑनवर्ड 2016, 2017 और उसके बाद 2018 और अभी 2019 के बाद जो रिसेंटली 2020 है, यानी कि जितने भी ईयर है इन सारे ईयर का थीम बताना है कि भी ये वर्ल्ड फ्यूल डे का थीम क्या क्या है, यानी कि आपको जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये स्कीम स्टार्ट हुई जो भी आप बोल सकते हो अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसके बारे में आपको बताना है कि हर साल का इसकी थीम क्या है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आप इसका आंसर भी जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही है, अपना स्कोर मेंशन करिए और आप नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कुछ और भी आपके सजेशन है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए बाय।